श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृहत्याग श्लोक संख्या 39 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पित्रो भगवन् क्व गतावितः अम्बावाहत पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी। शब्दार्थ युधिष्ठिर उवाच महाराज युधिष्ठिर ने कहा ना नहीं अहम मैं वेदा जानता हूँ गतिम प्रयाण पित्रोह चाचाओं का भगवान हे देवी पुरुष क्व कहाँ गतौ चले गए इतः इस स्थान से अम्बा ताई वा अथवा हतपुत्रा अपने पुत्रों के मारे जाने से आर्ता दुखी क्व कहाँ गता गई हुई च भी तपस्विनी साध्वी। अनुवाद महाराज युधिष्ठिर ने कहा हे देव पुरुष मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए नहीं मैं अपनी उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूँ जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल थी। तात्पर्य महात्मा तथा भगवत भक्त के रूप में महाराज युधिष्ठिर सदैव अपनी ताई की महान क्षति तथा तपस्विनी के रूप में उनके कष्टों के प्रति सदैव जागरूक रहे। तपस्वी सभी प्रकार के कष्टों से कभी विचलित नहीं होता इससे तो वह और भी मजबूत तथा आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर दृढ़ होता है। महारानी गांधारी अनेक अग्नि परीक्षाओं में अपने अद्भुत चरित्र के कारण तपस्विनी का एक अद्भुत उदाहरण है। वे माता पत्नी तथा तपस्विनी के रूप में एक आदर्श महिला थी और विश्व के इतिहास में ऐसे चरित्र वाली महिला विरले ही पाई जाती है। महाराज युधिष्ठिर जैसे नारद मुनि आए उनका स्वागत किया प्रणाम किया वो दुखी थे महाराज युधिष्ठिर कि मेरे चाचा चाची कहाँ चले गए ताऊ ताई और महात्मा विदुर से भी वो नहीं दिखे इसलिए वो बहुत दुखी हो गए। तो यहाँ कहते हैं नारद मुनि को कहते हैं क्योंकि नारद मुनि सब जानते हैं उनको मालूम था कि ये सब कहाँ चले गए और विशेष यहाँ कहते हैं कि नहीं मैं अपनी उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूँ। यहाँ क्या लिखे गता च तपस्विनी कौन कैसी तपस्विनी अम्बा व हतपुत्रार्था हतपुत्रा जिनके सभी पुत्र मारे गए थे और उसके कारण हतपुत्रार्था आर्ता दुखी आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी से भरवर्ता शव आर्तो यानी दुखी किससे दुखी थी हतपुत्रा अपने सब पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए थे हा? तो वो कहाँ गए क्व गता च तपस्विनी ये प्रश्न करते हैं क्योंकि युधिष्ठिर महाराज इतने कोमल थे हृदय से भक्त हैं तो उनको बहुत दर्द दुख हुआ कि मेरी जो ताई है चाची वो पहले से ही शादी से ही वो इतने कष्ट भुगत रही थी क्योंकि उनका जब विवाह नकी हुआ धृतराष्ट्र महाराज से तो उनको जब मालूम पड़ा कि वो अंध है उन्होंने देखा नहीं था अंध है तो उसी दिन से उन्होंने अपनी आँख रेशमी पट्टी से बांध दी। वो गांधार की राजकुमारी थी गांधार देश की। तो देखिए ये है इसीलिए वो तपस्विनी है और ऐसा उदाहरण हमें कहाँ मिलता है कहीं नहीं मिलेगा और कलयुग में तो मिलेगा ही नहीं। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि वे माता पत्नी तथा
तपस्विनी के रूप में एक आदर्श महिला थी। ये पत्नी के रूप में भी आदर्श है ना कि पति कोई कह सकते हैं कि आपके पति अंध है तो आप उनकी सेवा के लिए क्यों उनकी सेवा कीजिए, आप क्यों अपनी आंख बंद कर देते हैं। तो उन्होंने इसलिए किया कि यदि मेरी आंख से मैं देखती रहूंगी तो मुझे अभिमान आ जाएगा कि मेरा पति तो अंधा है, कभी कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा सोच के उन्होंने अपनी आंख बंद कर दी। देखिए ऐसी तपस्वी कहाँ मिलेगी। और इससे इसीलिए जो तपस्विनी है सीता माता और इनका द्रौपदी का, ये सब नाम इतिहास में है। और जब हम देखते हैं स्त्रियों को जब शिक्षा दी जाती है तो इन तपस्विनियों की शिक्षा दी जाती है, ऐसी तपस्विनी की शिक्षा दी जाती है, ऐसी पत्नी ऐसी सती औरत की शिक्षा दी जाती है। लेकिन आज शिक्षा कहाँ मिलती है, कोई चाहते हैं कि सती की सीता माता की शिक्षा मिले उनको, कि सीता माता ने जब अपने पति वनवास जा रहे हैं तो सीता माता स्वेच्छा से, और वो भगवान राम को कहती है कि मैं आपके साथ आऊंगी, भगवान राम कहते हैं नहीं, मैंने तुम्हारे से शादी की तो तुमके दुखी करने के लिए नहीं, और तुम्हें कोई आदेश नहीं है। ये वरदान वो क्या उन्होंने क्या दिया था महाराज दशरथ ने, वचन बोले तुम्हारे लिए नहीं है मेरे लिए है, और तुम तो राजकुमारी ऐसे कैसे चल सकती हो। तो सीता माता उग्र स्वर से बोलते हैं, बहुत सुंदर रामायण में है वर्णन कि मेरा मतलब मैं क्या करूंगी आपके बिना, और मैं जहां आप रहेंगे वहीं मैं सुखी रहूंगी, ऐसी तपस्विनी कहाँ मिलेगी। इसी प्रकार इन्होंने आंख बंद कर दी, कहाँ मिलेंगे हमको ऐसे। आज इन सब सती स्त्रियों की चर्चा नहीं होती है, जब उन्होंने उनके ऊपर कुछ नहीं था फिर भी वो वन में जाने के लिए सीता माता तैयार हुए, और जब वन से आने के बाद जब उनको देश निकाल किया जाता है तब भी वो कुछ नहीं बोलती है, एक शब्द भी नहीं बोलती है। लक्ष्मण जी बहुत भारी हृदय से भगवान उसको आज्ञा करते हैं लक्ष्मण को कि आप छोड़ के आओ जाओ। अभी सोचिए लक्ष्मण का क्या हालत है होगा, सोचिए क्या हालत है। जब वो जाते हैं तो बहुत दुखी होते हैं, और जब सीता माता को बोलते हैं तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन सीता माता बिल्कुल ठीक है, जैसे राम की आज्ञा मेरे पति की आज्ञा, इसलिए वो तपस्विनी के नाम से है। अभी आप सोचिए यदि कोई फैमिली है इस कलयुग में, विशेष करके कोई फैमिली है पति को कुछ हो गया या फाइनेंशियल ऐसी कष्ट आया कुछ भी आया, तो पत्नी क्या बोलती है, उसको डांटती है, तुमने ऐसा किया, वो मदद करने की जगह डांटती है, ऐसा हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे फैमिली है, या वो चली जाती है, या अभी नेहरू की कृपा से है छुटा छेड़ा लग्न विच्छेद होता है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये सब शिक्षाएं पढ़ते नहीं है, शिक्षा नारियों के लिए बहुत अद्भुत चारित्र्य की शिक्षा हमारे शास्त्रों में है, पुराणों में है, ये शिक्षा कोई नहीं पढ़ते। महाभारत पढ़ते हैं घर में तो लड़ाई होगी, इसलिए महाभारत नहीं पढ़ते, रामायण घर में नहीं रख सकते, दुखी हो गए। अभी जब महाभारत में इतनी अच्छी शिक्षा है, नल और दमयंती भी शिक्षा है महाभारत में, हालांकि वो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं थे, लेकिन शिक्षा बहुत अच्छी है, तो ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन होता है, जब माँ शिक्षा देती है बच्ची को पुत्री को, ये सब सीता माता की कहानी गांधारी की कहानी कहती है, उनकी स्टोरी कहनी चाहिए, तो ही तो स्त्री को शिक्षा मिलेगी।
नहीं तो शिक्षा कैसे मिलेगी? नहीं तो अभी तो क्या है, कलयुग के प्रभाव से है कि लड़के लड़की का विवाह होता है, फिर लड़के लड़की घूमते हैं साथ में, देखते हैं मैच होगा कि नहीं, फिर अगर लड़की को पसंद नहीं आया तो वो बोले नहीं मुझे इससे शादी नहीं करनी, दो चार महीना घूमने के बाद लड़के को पसंद है, इसमें ये गलती है, छोड़ दिया। अभी ये समाज में है, हम क्या आशा रखेंगे ऐसी पत्नी का, गांधार जैसी पत्नी का? उन्हीं पहले मुझे याद है, मतलब कि पहले कभी स्त्री पुरुष को देखती नहीं थी, पुरुष भी स्त्री को देखती नहीं, माता पिता तय करते थे जो भी हुआ वो जो भी है उसका नसीब, और माता पिता भी तय ऐसे नहीं करते थे, सब देखते थे, जन्माक्षर देखते थे, हॉरोस्कोप देखते थे, उनका वो अपना परिवार देखते थे, और उसका मामा कहाँ से, उसकी माँ लड़के की माँ या लड़के की माँ कहाँ से आई है, उसके पिता का मामा का घर किधर है, ये सब देख के शादी करते थे, रूप नहीं देखते थे, धन भी इतना महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वपूर्ण चारित्र था उस टाइम। आज चारित्र को कौन महत्व देते हैं? कोई नहीं, धन है सब है, पैसों परमेश्वर, गुजराती में कहते हैं पैसा ही परमेश्वर है, यही धन है सब कुछ चलेगा, सुंदर है कोई आवश्यकता नहीं, सुंदर है हीरोइन जैसी है कर लो शादी, ऐसा चारित्र को कौन देखते हैं? तो चारित्र की शिक्षा नारी को दी जानी चाहिए। इन्होंने कितने कष्ट सहन किए, मतलब कभी फरियाद नहीं की मैं अंधी हूँ, एक तो आप अंधे थे मैंने आपके शादी किया और मुझे इतना कष्ट भुगतना पड़ता है, नहीं कभी फरियाद नहीं की। और तपस्वी सभी प्रकार के कष्टों से कभी विचलित नहीं होता, तो हम सबको तपस्वी बनना है, कभी भी किसी भी कष्टों से विचलित नहीं होते हैं, हमें वास्तव में तपस्वी बनना है, और धीरे धीरे भगवान की कृपा से हम बन सकते हैं, लेकिन हमें ये सब शिक्षा ग्रहण करके ऐसे विचलित नहीं होना है। कितनी सारी आपदाएं आती है, फाइनेंशियल, सामाजिक, फिर राजकीय, बहुत सारी भौगोलिक आपत्ति आती है, हम देखते हैं कि कभी ऐसा भूकंप आता है तो पूरा हमारा चला जाता है, आग लगती है पूरा चला जाता है, तो ऐसी स्थिति आती है, तो कभी भी हम लोगों को विचलित नहीं होना है। ये सब शिक्षा है, गांधारी से सीखना है किस प्रकार से है, इतनी महान महान राजा की महान पुत्री राजकुमारी थी, महान धृतराष्ट्र भी वैसे तो महान थे, तो इनकी तपस्विनी ताई, तो ये विचलित नहीं होते तो हमें आध्यात्मिक मार्ग में हमारा रास्ता सरल होता है। जैसे ये इन्होंने सहन किया, और अंत में जब धृतराष्ट्र घर छोड़ के चले गए तब भी वो गए, कष्ट पति का कष्ट अपना कष्ट वो समझकर वो गए, तो क्या होता है इससे तो वह और भी मजबूत तथा आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर दृढ़ होता है। यानी हमारे जीवन में जितनी समस्या आती है, हमारा जीवन शांत चल रहा है, कोई समस्या नहीं है, तो हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छा नहीं है। कैसे अच्छा नहीं भाई, हम अच्छी तरह जप कर सकते हैं, अगर सोचिए है हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं है, हम शांति से, सबको मैं बोलता हूँ सब आइए मंगल आरती के लिए आइए, ओके सब मंगल आरती के लिए आते हैं, कोई विरोध नहीं, सबको बोलते हैं जप ऐसे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी अच्छी तरह जप कर रहा हूँ, कोई समस्या नहीं है, सब अपने आप सब चल रहा है, तो ऐसा होना चाहिए ना भाई, हम तैयार हैं इस प्रकार भक्ति करने के लिए। लेकिन सभी प्रकार के कष्ट आते हैं तो ही आध्यात्मिक प्रगति होगी, यदि ऐसा नहीं होगा मेरा सोला माला हो गया, बहुत अच्छी तरह हो गया, मैंने मंगल आरती भी कर लिया, अभी मेरे पास टाइम है, तो फिर क्या है,
शांति है, अभी घर जाके आराम करूँगा, फिर उठूँगा, हाँ फिर वापस भगवान की सेवा करूँगा, फिर आराम करूँगा, सो जाऊँगा, फिर दूसरे दिन मंगल आरती के लिए आऊँगा। कोई जीवन में समस्या नहीं है। ऐसा हम जीवन चाहते हैं? ऐसा जीवन मत चाहिए, ऐसा मत सोचिए कि जीवन में समस्या नहीं आए। तप करो, और यदि जीवन में समस्या नहीं आती है तो सोचो, तो हम लोगों को सोचना चाहिए, अरे मेरे जीवन में समस्या नहीं आती है, कुछ गड़बड़ है, ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन यदि हमारे जीवन में समस्या आती है तो ये बहुत अच्छा है कि ये समस्या की चलते हैं हम लोग विचलित नहीं होकर भगवत भक्ति के मार्ग में आगे प्रगति कर सकते हैं। क्या होता है, समस्या नहीं आती है, हम सोचते हैं हम सुखी हैं, इस घर में सुखी है, हम थोड़ा हमारा घूमना फिरना सगे संबंधी के वहाँ भी जाएंगे और हम भक्ति भी करेंगे, कोई नो टेंशन, ये किसी की जपा किसी की ये नहीं लेने की, हम अपनी भक्ति करते रहेंगे, मंगल आरती जाते रहेंगे, कोई अगर बोलेंगे तो भी हम चुपचाप उससे कुछ बात नहीं करेंगे, हम हमें शांति चाहिए। तपो दिव्यम पुत्र का ये न, तप क्या है, तप क्या है, तप यानी स्वेच्छा से हमने कष्ट लेते हैं उसको बोलते हैं तप, स्वेच्छा से कब तप, जैसे हम लोग तप करते हैं, क्या तप करते हैं, स्वेच्छा से, क्या, नो इलिसिट सेक्स, नो मांसाहार, नो जुआ खेलना और नो नशा, ये इसको तप बोलते हैं। और जब तक हम ये तप नहीं करेंगे हमारा आध्यात्मिक मार्ग पे प्रगति नहीं होगा, क्योंकि तप नहीं करेंगे तो क्या है, वो माया है, माया है, माया सुख, माया का सुख जो है वो हमको एक्चुअली देखा जाए तो माया का सुख प्राप्त करने के लिए इतना भारी तप करना पड़ता है, वो किसी को दिखता नहीं है, और भगवत भक्ति के लिए इतना कम तप करना पड़ता है वो सबको दिखता है ना, ये सब कितना कितना ये है माया का, कितना ट्रिक है। हम लोगों को इंद्रिय तृप्ति करने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए और ज़्यादा पैसे के लिए ज़्यादा कमाना है, और कमाने के लिए जो हम तप करते हैं वो किसी को नहीं दिखता है, वो तो पैसा मिलता है ना, एक जॉब किया 25,000 मिला, दूसरी जॉब किया 5,000 मिला, 30,000 बस खुश, लेकिन इसके पीछे कितना तप करते हैं वो हम नहीं देखते हैं, क्योंकि माया ऐसे बोलती है ये तो तप अच्छा है ना, देखो तुमको तो कमाना तो पड़ेगा ना भाई, काम तो करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा काम कर लो तो आराम से घर में रह पाओगे। तो ये तप और इसके सामने जो हम चार नियमों का पालन करते हैं वो तप, उसमें कितनी हमें दुविधा है, कुछ दुविधा नहीं है। जब हम पैसा कमाएंगे तो आज हमने पैसा कमाया बिजनेस चला रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि वो बिजनेस हम छोड़ नहीं सकते, हम छोड़ना चाहते हैं नहीं छोड़ सकते। मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, मुझे एक अच्छे पगार की नौकरी मिली, फोन 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 पे बिजी, मैं बोला अभी मुझे छोड़ना है, छोड़ नहीं सकते हम, नहीं 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 आप छोड़ नहीं सकते, आप नौकरी नहीं छोड़ सकते। ये आईटी की नौकरी कैसी है मालूम है, पूरा दिन काम करो, सुबह 8 से रात को 10 बजे तक काम करो, अभी मेरा 10 बज गया सर मैं जाऊँ, नहीं नहीं और एक घंटा दो घंटा, एक काम करो आज नाइट कर लो, तुमको खाना पीना रहना सब दे दूँगा। मैं मिल में कॉन्ट्रैक्ट, मेरा इंजीनियरिंग का कॉन्ट्रैक्ट चलता था, तो मशीन बिठाना होता है और मशीन पूरा महीना बिठाते हैं, फिर जब चालू करने का टाइम होता है 3-4 दिन आज करो आज करो आज करो आज करो, सब खाना मंगाते हैं, सब मंगा के यहीं रहो आप, सब देंगे हम फैसिलिटी। तो ये जो तप करना पड़ता है वो तप के सामने भक्तिमय तप कुछ नहीं है। तपो दिव्यम पुत्र कायन, तपो दिव्य, दिव्य चीज प्राप्त करने के लिए तप करना बहुत सरल है। जैसे हम मांस नहीं खाते हैं
तो ये हमारे लिए तब लगता है मांस नहीं, नहीं नहीं लगता है। जो भी चार नियमों का पालन करते हैं हमारे लिए तब नहीं लगता है। सुबह जो जल्दी उठते हैं, जो रेगुलर भगवान के लिए मंगल आरती में आते हैं, उनके लिए सुबह उठना तप नहीं है। दूसरों के लिए तप हो सकता है, जो रेगुलर 3-4 बजे के बीच में उठते हैं या 3-5 के बीच में उठते हैं, रेगुलर उठते हैं, तो उनके लिए तप नहीं है। जो 10 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, उनके लिए, अरे यार क्या बात है। मेरा मित्र ये मुझे हमेशा बोलते हैं, कितने बजे उठते हैं, मतलब 3:30-3:30, लेट से लेट 4 बजे, क्या बात करते हैं। उसको ऐसे ही लगता है क्योंकि वो 10 बजे उठता है, इसके लिए उसे ऐसा लगता है, अरे ये तो भारी तप कर रहा है। बोले इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसमें क्या है, ये तो मेरा रूटीन है, ये मेरे लिए तप नहीं है। हाँ यदि कोई, उसने बोला कि मेरी ऑफिस में तुम आओ, सिर्फ वहाँ बैठो, सिर्फ बैठो, कुछ काम नहीं करने का, हर रोज आओ, हफ्ते में 5 दिन आओ, तुम बैठो, मैं तुमको 10,000 रुपया दूंगा, ऐसा मुझे बोला। मैंने बोला कि तुम 1,00,000 रुपया दोगे तो भी मैं तुम्हारे ऑफिस पे आके नहीं बैठूंगा, क्योंकि ये कैसा है कि मैं स्वतंत्र हूँ अभी। मैं आज तुम सोमवार को तुमने बोला 9 बजे आओ, अरे 10 बजे आओ, और मुझे 10 बजे कोई भक्त आ गया उसकी सेवा करनी है, तो पूरा वीक में मुझे कुछ करना है, तो 1,00,000 रुपया भी मेरे कोई काम का नहीं है। तो इस प्रकार भक्तों के लिए जो तप है वो, जैसे भगवद गीता में कहा है ना कि जो भौतिक जो सामान्य लोगों के लिए रात्रि है वो मुनि के लिए दिन है, और जो मुनि का जो रात्रि है वो सामान्य लोगों के लिए दिन है, ऐसा भगवद गीता। तो इसका मतलब क्या, मतलब ये है कि जब कर्मी लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, इंद्रिय तृप्ति उसके लिए आनंददायक है, तो वो उनके लिए उसमें सुख नहीं है। उनके लिए सुख है भगवान का तप करने में, उनको सोने में सुख नहीं है, ऐसा। तो यहाँ तप हमें समझना चाहिए, तपस्विनी जो है, प्रभुपाद कहते हैं कि तप करने से तपस्वी और भी मजबूत तथा आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर दृढ़ होता है। देखिए हमारे तप से क्या दृढ़ नहीं होते, हम होते हैं, चार नियम का पालन करने से हम दृढ़ बनते हैं, सुबह जल्दी उठने से दृढ़ बनते हैं, भगवत गीता पढ़ने से, भगवत गीता भागवतम पढ़ना भी एक तप है, स्वाध्याय करना ये स्वाध्याय है, तो तप है ना, तो उससे हम दृढ़ बनते हैं। फिर भागवतम क्लास सुनना दृढ़ता है, इससे हम भक्त बनते हैं, तो हम इससे दृढ़ बनते हैं। तो ये तप करने से ही दृढ़ बनेंगे। हम सोचेंगे कि भगवद गीता आज नहीं कल पढ़ेंगे तो हमारी दृढ़ता नहीं रहेगी, आज मंगल आरती में नहीं कल आएंगे, सुबह कल उठेंगे जल्दी, आज रात को लेट हो गया था इसीलिए मैं सुबह नहीं उठ पाऊंगा, तो हमारी दृढ़ता नहीं रहेगी। तप करने से हमें दृढ़ता आती है। और महारानी गांधारी अनेक अग्नि परीक्षाओं में अपने अद्भुत चरित्र के कारण तपस्विनी का एक अद्भुत उदाहरण है। तो अग्नि परीक्षा सबकी होती है, भक्तों की होती है, पत्नी की होती है, पति की होती है, सबकी होती है, लेकिन सबको अग्नि परीक्षा को समझना है। हम लोग पत्नी को काफी, अभी हम लोग देखते हैं कभी कभी पत्नी होती है उनका भक्त, उनका पति भक्त नहीं होता है, तो उनकी भी बहुत सारी अग्नि परीक्षा होती है, और पति पत्नी दोनों भी भक्त होते तो भी अग्नि परीक्षा होती है, बहुत सारी ऐसी परीक्षा होती है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो हमें ये सब अग्नि परीक्षा में से पास होकर भगवान की सेवा करनी है, तपो दिव्य। तो यहाँ ये जो गांधारी को कितना मानसिक त्रास होगा, सोचिए कितना दुखी होगी गांधारी कि हतपुत्रार्था, वो पुत्र अभी स्त्री के लिए, सभी स्त्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पुत्र। देखिए उन स्त्री के लिए सबसे अत्यधिक प्रिय होते हैं पति,
लेकिन जब पुत्र हो जाता है तो स्त्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण है पुत्र और हता पुत्र, उनके सब पुत्र चले गए थे। तो ऐसी दुखी अवस्था में, ऐसी आर्ता अवस्था में गता च तपस्विनी, वो कहाँ गए तपस्विनी। तो कितना अच्छा हमको शिक्षा मिलता है कि वे माता पत्नी तथा तपस्विनी के रूप में एक आदर्श महिला थी और विश्व के इतिहास में ऐसे चरित्र वाली महिला विरले ही पाई जाती है, ऐसा मिलना मुश्किल है। लेकिन यदि हम वर्णाश्रम का नियमों का पालन करें और असत संग त्याग करें तो पुरुष और पति और पत्नी दोनों तपस्विनी हो सकते हैं। यहाँ धृतराज भी तपस्वी है, गांधारी भी तपस्विनी है। तो ये दोनों का चरित्र समझकर और हमारे जीवन में इस प्रकार भक्ति करते हुए दृढ़ बनते हुए यदि हम जीवन में जो भी समस्या आते हैं उसको सहन करते हैं तो हम भी तपस्वी बन सकते हैं और इस पथ पे हम बहुत सरलता से आ सकते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जब 4:30 बजे मंगला आरती करनी होती है तो हम लोगों को और बहुत जल्दी 3 बजे उठना पड़ता है ना, हम दूर रहते हैं तो वहाँ से जाने के लिए। तो जो व्यक्ति प्रतिदिन 4:30 बजे मंगला आरती करते हैं, अभी उसको बोले मंगला आरती 5:30 बजे है तो उसके लिए क्या सरल है ये चीज़, सरल है और 5:30 बजे ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा पॉइंट क्या है कि अगर हम जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट सहन करेंगे, जीवन में जितना भी कष्ट सहन हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हमारी पिछली लाइफ में कितना भी कष्ट आए हम उसको सहन कर पाएंगे। इसीलिए लोग जो बोलते हैं कि हमें शांति चाहिए, तो पहली बात तो ये है कि शांति जगत में है ही नहीं, चौकड़ी मार दो शांति को। शांति बहुत सारी है, शांति नाम की स्त्री बहुत सारी है, लेकिन इस जगत में शांति नाम की चीज नहीं है। दुखालय शाश्वतम। तो यदि कोई बोलते हैं तो मूर्खतापूर्ण बात है, मैं शांति से इस जगत में रहूंगा, न तो तुम शांति से भक्ति कर पाओगे न तो शांति से भौतिक जीवन में रह पाओगे। हम देखते हैं सब भक्त यहाँ जितने भी बैठे हैं, सब भक्त के जीवन में भक्त है फिर भी जीवन में अशांति है, शांति है ना, है शांति किसी को उंगली उठाओ, प्रभु आज मुझे शांति है बोलो। सबको अशांति है, सबको बस इतना हो जाए शांति, इतना हो जाए शांति, इतना हो जाए शांति, सबको अशांति है। और यह अशांति अच्छी है क्योंकि ये अशांति की वजह से जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हमारे जीवन में और परीक्षा आएगी तो हम सोचेंगे नहीं मेरे जीवन में तो ऐसी अशांति है ही और ये हमें टॉलरेट करना ही है। यदि कोई व्यक्ति 10 बजे उठता है उसको बोले कि तुमको अभी 1 महीना 4 बजे उठना है सुबह, अशांति। लेकिन जो व्यक्ति हर रोज 5 सुबह 3 बजे उठते हैं उसके लिए बोले नहीं 4 बजे उठो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुख है उसके लिए, चलो मुझे 1 घंटा सोने को मिला। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट, समझिए कि जीवन में जब बड़ी हमको 2000 की नोट मिल जाए तो हमको 1, 2, 3, 5 एक से सब पैसा है हमारे पास, सब नोट है हमारे पास, 2000 की नोट है, समझिए। तो इसी प्रकार मैं एक एग्जाम्पल मुझे स्मरण में आ रहा है कि मैं इतना दुखी हूँ, समझो कोई व्यक्ति बहुत दुखी है भौतिक रूप से, क्या वो पानी निकला विजय दामोदर क्यों पढ़ानू कहीं करूँ पड़ से ओके खत्म ही कर देना। मतलब एक व्यक्ति बहुत दुखी है, उनको सब जगह से दुख है, तो अभी आप उसको एक सोटी और मारो तो क्या फर्क पड़ेगा है? इसी प्रकार से हमें ऐसी ट्रेनिंग लेनी है भक्ति में भी और इस भौतिक जगत में भी,
कि हमें दुख आए उसको सहन करो, बस दुख को सहन करो, उसको विचलित होए बिना सहन करो, यानी तपस्वी बनो। यही मैसेज ऋषभ देव का भी है, तपो दिव्यम पुत्र काये न, ये नायम देह दे भाजा नुलोक है, ये जो मनुष्य शरीर मिला है तो सिर्फ तपस्या के लिए मिला है। तो इस प्रकार हमें तपस्वी बनना चाहिए, और पति को तपस्वी और पत्नी को तपस्विनी बनना है। तो ये हमारा जीवन भक्ति में हमको आध्यात्मिक मार्ग पे अच्छी तरह मजबूत तथा आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर दृढ़ हो सकते हैं, यदि हम तप करते हैं तो, हमारी दृढ़ता बढ़ेगी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।